लिए जानते हैं कि शिव पूजन के बाद 3 बार ताली बजाने से क्या होता है। भोलेनाथ की पूजा में बेलपत्र और भांग धतूरा का महत्व होता है। भक्त पूजा के बाद 3 बार ताली बजाते हैं। पहली ताली भगवान को अपनी उपस्थिति जताने के लिए बजाई जाती है। दूसरी ताली का भाव होता है कि हम भगवान से कुछ मांगे या न मांगे, हमारे घर का भंडार हमेशा भरा रहे। और तीसरी ताली से शिव जी से भक्त को अपने चरणों में जगह देने की प्रार्थना की जाती है। मान्यता है कि लंकाधिपति रावण ने भोलेनाथ की पूजा के बाद 3 बार ताली बजाई थी, जिसके कारण उसे लंका का राजपाट प्राप्त हुआ था। जब भगवान राम को लंका जाने के लिए समुद्र पर सेतु निर्माण करना था, तब उन्होंने शिव पूजन के बाद 3 बार ताली बजाई थी। उनका काम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। 3 बार ताली क्यों बजाई जाती है, इसके पीछे एक और पौराणिक कथा है, चलिए जानते हैं। भगवान कृष्ण की बहुत सी रानियां थी, लेकिन संतान एक भी नहीं थी। तब श्री कृष्ण ने रानियों सहित शिवलिंग का अभिषेक किया और 3 बार ताली बजाई। तब शिव जी की कृपा से उनके 1,77,186 संतानें हुई। तो अगर आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं और उनकी पूरी विधि विधान से पूजा करते हैं, तो अपनी पूजा में इस विधि को शामिल कर लें। कहते हैं कि ऐसा करने से भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है।